हमारे भारतीय किसान कितना एडवांस थे उसका एक और प्रमाण आपको दे रहा हूँ। सदियों के अनुभव से हमारे भारतीय किसान लेग्यूम फसलों का उपयोग कर रहे हैं। हर जगह क्रॉप रोटेशन के लिए दलहनी फसल उगाना उनकी पुरानी तय प्रथाओं में से एक है। लेकिन 30 साल तक चले लंबे विवाद के बाद 1888 में पश्चिमी विज्ञान ने आखिरकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में दलहनी फसलों के महत्व को स्वीकार कर लिया। यही बात जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हार्वर्ड ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चरल टेस्टमेंट में लिखी है। उन्होंने बताया, दलहनी फसल हर जगह बहुत ज्यादा मात्रा में कॉमन है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उन्होंने लिखा है, भारत का किसानों ने सदियों से मिट्टी की उर्वरता शक्ति प्राकृतिक उपाय से कैसे मेंटेन करते रहा है, तो यही लेग्यूम इफेक्ट वह प्राकृतिक उपाय में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हम भारत के लोग आजादी के बाद भी उनके गुलाम बने रहे और उनकी कई असफल परियोजनाओं को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के प्रोपेगेंडा को लेकर वीडियो बनाए, उन्हें जरूर देखें। इस तरह के वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।